चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम ये पढ़ रहे थे कि सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी एक पार्ट है, तो उसमें हमने शुरू कर लिया था। तो हम ये चीज़ें देखने जा रहे थे कि क्या है। तो बिफोर आई स्टार्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता दूं कि हमने 10 नॉलेज एरिया देखे थे। उसमें हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो हमने शुरू में पढ़ लिए हैं, स्कोप, टाइम या एफर्ट या और फिर कॉस्टिंग। ठीक है, तो उसमें कोई क्वेश्चन है तो उसको अच्छी तरह से पढ़िए। फिर हमने उसका एक असाइनमेंट भी दिया आपको कि आपने एक बिजनेस नॉलेज को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझना है और उसके बाद उसका स्कोप लॉक करना है, और फिर उसके बाद एक लेफ्ट साइड पे उसका स्कोप लिखना है, ऊपर आपका जो भी प्रोसेस होगा, चाहे वो वाटरफॉल हो, एजाइल हो, जो भी हो वो लिखना है, और फिर आपने उसको एस्टिमेट करना है। दिस इज ऑल योर कॉल, आपको उस एक्सरसाइज से गुजरना है। ये पहला असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 3। और उसी असाइनमेंट में फिर कॉस्टिंग करनी है। कोई चैलेंज है, कुछ मुश्किल है तो मुझसे पूछिए, जो कुछ हमने पढ़ा उसको इस्तेमाल करना है। तो असाइनमेंट 3 है और 4 है, पांच पांच नंबर के हैं, बिसाइड 5 नंबर्स, लेकिन इस एक्सरसाइज से गुजरी है। ठीक है ना, कोई चैलेंज आ रहा है, कोई मुश्किल हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही तो सर के पास आइए, पूछिए। ठीक है, ये चीजें हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप कभी प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे, कुछ करेंगे, तो आपको याद रहेगा सर ने कहा था टीम को मैनेज करना, ईगोज, इमोशंस को मैनेज करना, कम्युनिकेशन को मैनेज करना, पर्सनैलिटी का पता होना चाहिए, कहीं याद रहेगा आपको। अभी उस समंदर में उतरे नहीं है, इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आप उस रोल में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए कि सर ने कुछ बातें बताई थी, वो याद होना चाहिए, नोट्स होने चाहिए, चीजें होनी चाहिए। तो हाउ वुड यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन? तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई, ठीक है, तो मैंने कुछ चीजें हैं जो, चल जाओ भाई, क्यों नहीं चल रहा, बार बार हैंग कर जाता है। चलिए, प्रॉब्ली आई शुड नॉट यूज दिस। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन क्लास आप लोगों को आवाज आ रही है? ऑनलाइन क्लास जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये हाउ वुड यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, मैं भी एक आपको थोड़ा सा वो भी दिखा दूंगा, कम्युनिकेशन प्लान, इसको खत्म करके पहले मैं इसको सजेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि किस तरह से प्लान होता है। एक प्लान बनाया जाता है पूरा, कम्युनिकेशन प्लान, जिस तरह से आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनता है, इसी तरह से आपका टेस्टिंग प्लान बनता है, इसी तरह से कम्युनिकेशन प्लान बनता है। ठीक है, तो उसमें कुछ बातें हैं जो हमने कल रफली डिस्कस की थी, लेकिन आप एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे खत्म करने के बाद। पहला पॉइंट ये है कि जब आप बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी टीम होगी, तो पॉइंट इज कि लोग डिसएग्री करेंगे, लोगों की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, लोगों का एजुकेशन डिफरेंट होता है, लोगों की थिंकिंग डिफरेंट होती है, तो पीपल कैन डिसएग्री, पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन, दिस इज वेरी नेचुरल, लेकिन उसको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, ये हैंडल करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इससे पूरा लेक्चर हो सकता है, तो मैं सिर्फ समरी या लर्निंग आपको बताऊंगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। पॉइंट ये है कि जब 50 लोग, 100 लोग होंगे, तो इसमें डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लोगों को हैंडल करना, लोगों की ईगोस को, और लोगों की सुनना, और कभी बात मान लेना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट में ना कन्वर्ट होना। फिर ये है कि अपने आप की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करिए, तो कुछ मालूम होना चाहिए कि फेस एक्सप्रेशन क्या होता है, वॉइस क्या चीज होती है, बॉडी पोस्चर क्या होता है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये पूरे पूरे दिन के लेक्चर है, मैं इस पर सिर्फ समरी आपको बताऊंगा। मीटिंग क्या चीज होती है और मीटिंग क्यों कॉल होती है, एक्शंस क्या होते हैं, उसमें टाइमिंग्स क्या होते हैं, इस पर हम बहुत समरी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो मीटिंग कॉल कर रहे होंगे, फिर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, खत लिखना, ईमेल करना, ईमेल में क्या होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, फिर कुछ चीजें हैं जो आप रिक्वायरमेंट या स्टेटस कैसे मांगेंगे, उसका कोई टेम्पलेट है नहीं है, लोगों को पता होगा कि हर जुमे को मीटिंग होती है, किस फॉर्मेट में मुझसे आंसर मांगा जाएगा, तो ये टेम्पलेट अगर है तो कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी, अगर ये नहीं है तो फिर सर मैं तो समझा आप ये पूछ रहे थे, मैं तो समझा ये नहीं है, तो देर इज बिफोर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट मैं ये चार चीजें पूछूंगा, तुमको लास्ट वीक क्या साइन था, क्या हो गया और क्या नहीं हुआ, और कोई इशू है, जेन्युइन इशू तो बताओ, बस ये चार चीजें पूछूंगा बस, या जो भी है। ठीक है ना, देन हैज टू हैव अ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, कौन करेगा, क्या करेगा, कितने लोग हैं, ये सब करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम पहली चीज को देख लेते हैं। कन्फ्रंटेशन डायरेक्टली फेस
मेरी क्लास में या जासूस है? आप झांक झांक के देख रहे थे तो आ जाइए क्लास में, कोई मना थोड़ी है। होते ना जासूस ही करते हैं, सर पढ़ा भी रहे हैं बस ऐसी। ठीक है, कन्फ्रंटेशन, कॉम्प्रोमाइज, स्मूथिंग, फोर्सिंग, विड्रॉल। पहले समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, फिर समझते हैं ये इन सिचुएशन हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, कोई बात कह रहा हूं और मेरे टीम मेंबर को वो बात समझ में नहीं आ रही है, तो ही विल डिसएग्री। अगर कोई आदमी डिसएग्री कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जी? समझाना चाहिए, बात करनी चाहिए, लॉजिक से कन्विंस करना चाहिए जी। हाँ वही, कोई डिसएग्रीमेंट है ना, वो कह रहा है कि सर ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कहता है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करने चाहिए, बहुत प्रॉफिट होता है इसमें, उसमें बड़ी रिश्वत रिश्वत होती है। मैं कहा मैं नहीं करना, तो पूछेगा ना क्यों नहीं करना है, तो आई नीड टू एक्सप्लेन क्यों नहीं करना है लॉजिकली। दूसरा तरीका क्या है, आज तीन जगह मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, बस मैंने कह दिया नहीं करना है, ये भी एक तरीका है, इसमें भी वो मान लेगा, जो तनख्वाह तो उसने भी लेनी है। तो वॉट इज द बेटर वे और क्यों, लॉजिक क्यों एक्सप्लेन करनी है, क्यों एक्सप्लेन करना है? इनवैलिड नहीं करना है, उसको कन्विंस करना है। आप कोई चीज डिसएग्री कर रहे हैं किसी वजह से कर रहे हैं ना, आपके ध्यान में कोई बात है, वो बात मैं जानूं और फिर मैं उसको कन्वर्ट करूंगा जो तुम सोच रहे हो वो सही नहीं है, मैं इस तरह से सोच रहा हूँ। तो लॉजिकली कन्विंस करना, वो डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, बात सही है। लेकिन कब कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होगा, हो सकता है जब मैं कह रहा हूं, बिकॉज देयर इज नो लॉजिक, वो कुछ और सोच रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूं, एंड आई एम फोर्सिंग हिम टू लूज व्हाट यू आर थिंकिंग। मैंने कहा था ना मैं इसको मेंटल स्लेवरी कहता हूं, इसलिए मैं ये नहीं करता हूं, बस मैंने कह दिया ना, अब्बा ने कह दिया नमाज पढ़ो, बस सही गलत की बात नहीं है, पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, सवाब मिला, बस मैंने कह दिया, खत्म हो गई बात। नो, दिस इज नॉट लॉजिक, ही और शी शुड बी कन्विंस्ड। तो यहां पर भी वही है जी, तो मुझे मान लेना चाहिए, अगर उसके पास है तो मुझे मान लेना चाहिए वेरी ओपनली। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड इमोशन, मैं भी आता हूँ उसमें, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं माना। हाँ दैट इज, हाँ दैट इज नॉट लॉजिक, फिर इमोशंस होते हैं, इमोशंस का कोई इलाज नहीं है, फिर ठंडा करना पड़ता है। मैं नहीं मानूंगा तो बस फिर लॉजिक खत्म हो गई ना, मुझे इस शख्स से बुरा लगता है, मुझे इसकी बात ही नहीं माननी है, बस दैट देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक, तभी उस पर आएंगे। तो डिसएग्रीमेंट में दो चीजें हो सकती है, हम आगे चलेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें पूरा लेक्चर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अभी नॉर्मल स्टेटस में है, मेंटल स्टेटस में है, मैं आपसे कोई बात बोलूं आप सुन लेंगे, ठीक है, लेकिन आपकी बाहर कहीं लड़ाई हो रही है तो मैं कहता हूं छोड़ो, नहीं सर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कह रहा हूं छोड़ो, नहीं सर मैं नहीं छोड़ूंगा, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट लिसनिंग, व्हाई? बिकॉज़ यू आर इमोशनली चार्ज, यू आर नॉट लिसनिंग टू अटेंशन। भाई छोड़ो, यूनिवर्सिटी है तुम रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे, नहीं सर मैं हो जाऊं रिस्ट्रिक्टेड, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, यू आर इमोशनली चार्ज। तो यहां पर भी ऐसे होता है कि देयर आर सर्टेन पीपल जो बस नहीं सुननी, तो फिर उसका इलाज कुछ और है, फिर उसका इलाज लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को आपको समझना होगा, तो यू विल ऑलवेज कन्विंस व्हेन समबडी इज कूल डाउन, ठीक है। मेरे कमरे में कोई आए, सर फलाने ने ऐसा कर दिया, बैठ जाओ पानी पियो, नहीं सर बैठ तो जाओ, सांस तो लो, ठंडी सांस लो, ओके पानी पियो, हाँ अब बताओ, नाउ ही कूल डाउन, व्हाई? बिकॉज़ ही वाज नॉट, यू नो ही वाज एंग्री। तो बात सारी यही है, सो यू नीड टू हैंडल। अब आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डिटेल, बट पॉइंट इज डिसएग्रीमेंट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, उसको आराम से हैंडल कीजिए, इफ यू डोंट तो फिर आप आग लगा देंगे, ठीक है, समझ में आ रही है ना, आप आग लगा देंगे। तो ये देयर आर सिचुएशंस, कन्फ्रंटेशन को, अच्छा इंसान को 95% शरीफ होना चाहिए, ठीक है। बार दफा लोग नहीं सुनेंगे फिर आप कहेंगे अच्छा बताता हूँ मैं,
ठीक है, तो ये वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। जैसे 50 बच्चे हैं, सबने बात मान ली, एक कह रहा है बस नहीं माननी, तो नहीं माननी तो फिर आप कहेंगे अच्छा मैं हूँ टीचर, तुम नहीं हो, ये दरवाजा यहाँ से बाहर, मतलब यू नो यू विल चेंज योर गियर, यू आर लॉजिकली बात कर रहे हैं, सारे लोगों को समझ में आ गई है, ओनली देन देयर कुड बी अ सिचुएशन कि सारे लोग नहीं माने, फिर आप अपनी अथॉरिटी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कॉम्प्रोमाइज, कभी बात मान भी लीजिए, चलो तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, जैसे बीवी की बात माननी पड़ती है, बस कह रहे हो मान लिया, समझ में नहीं आ रहा, बस ठीक है, ठीक है। तो देयर आर सिचुएशन, ठीक है, हर दफा आप नहीं चलाते। बॉन्डिंग कब क्रिएट होती है टीम में, बॉन्डिंग कब क्रिएट होगी, जब आप स्पेस देंगे लोगों की, सुनेंगे, एहसान करेंगे, तुम्हारी बात सही नहीं है, सारे लोग गलत कह रहे हैं, मगर मैं मान रहा हूं तुम्हारी बात, करके देख लेते हैं, और दो दिन बाद तुम्हें पता चलेगा हम गलत कर रहे थे, दो दिन बाद वो पांव पकड़ लेगा, हाँ सर आपसे बिल्कुल सही, मतलब जो भी है ना। तो व्हाई, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग अ पोजीशन, बात समझ में आ रही है। पोजीशन खराब कब होती है, मैं सही हूं बस, और यहां से कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होना शुरू होता है, क्योंकि वो मान नहीं रहा ना, मान नहीं रहा, तो आप मान लें जी। आपको बताना पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये ना किया तो ये हो जाएगा, ट्राई अंडरस्टैंड, सारे लोगों को आप समझाते हैं और उसको भी समझाते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारी बात रखने के लिए कर रहा हूं, एंड आई नो दिस इज रॉन्ग, दो दिन बाद पता चलेगा या तो मैं गलत हूं या तुम गलत हो, पता चलेगा ना, दो दिन बाद चल जाएगा पता, हो सकता है मैं गलत हूं, 90% शायद नहीं होऊंगा मैं, लेकिन दो दिन बाद फिर वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा, फिर आइंदा कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। तो देयर आर सिचुएशन जो आप कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत सारी सिचुएशन है, अब वो कब आप विड्रॉ करते हैं, रिट्रीट का क्या मतलब है, रिट्रीट जब जंग लड़ते हैं ना, तो बहुत दफा आप लड़ते हैं लेकिन कभी आप हार नहीं मानते, लेकिन आप कहते पीछे हो जाओ, अभी करने की जरूरत नहीं है। तो देयर आर सिचुएशन, इमोशंस को अटैक नहीं करते हैं, तो अभी सुन नहीं रहे ना, सुन ही नहीं रहा उसकी, बस मैंने नहीं छोड़ना है, तो इमोशंस को अटैक नहीं करते हैं, लॉजिक को अटैक करते हैं, लॉजिक को समझाते हैं, लॉजिक को क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन इमोशनल है तो फिर आप रुक जाते हैं, बस मैंने कह दिया है ना, मैं किसी मीटिंग में हूं और एक साहब ने कहा सर साहब को ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, क्योंकि आप पीएचडी नहीं है, तो मैं कहता हूं बस ठीक है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एंड आई रिट्रीट। बात सही नहीं है तो मैंने आर्ग्यूमेंट कर लिया, लेकिन जब उसने कहा ना कि आपको नहीं पता क्योंकि आप पीएचडी नहीं है, तो यहाँ आई रिट्रीट, बात तो सही है उसकी, मुझे क्या पता, ठीक है, ठीक है। अभी वाली आखिरी वाली चीज पढ़ी है जरा, ठीक है। डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं किसी वजह से जो आपने नहीं सोची भी हो, इंसान की थिंकिंग बहुत लिमिटेड है, तो आपने सोचा नहीं था, किसी और ने आगे बताया, तो आप सोचने जो हाँ यार बात तो सही है उसकी, लॉजिक है, समझ में आ रही है, लेकिन अनलाइक लॉजिक अगर वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो फिर यहाँ से डिप्रेशन शुरू होगा, ठीक है। इसको बहुत देखना है आपको, समझने की जरूरत है कि क्या चीज है, ठीक है। अच्छा मैं आ रही है, मैं इसको जरा आप लोगों की वॉइस बंद कर दूं जरा, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। पॉइंट इज, जब आप लोगों से बात करेंगे, टीम को हैंडल करेंगे, तो देर आर डिफरेंट पर्सनैलिटी, देर आर डिफरेंट थिंकिंग, इट इज वेरी नेचुरल, ये बात समझ में आ रही है। इसको इमोशनली हैंडल नहीं करना है, इसको एहतियात से करना है, वरना आप पूरी टीम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे, डीमोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट, अनकॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। सो यू नीड टू हैंडल दैट, ये बार बार हैंग हो जाता है तो दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट इज बेटर कम्युनिकेशन, पहले तो पता होना चाहिए कम्युनिकेशन होती क्या है। मेरी जो वॉइस है दैट इज लेस देन 10%, लेकिन माय जेस्चर, माय फेस एक्सप्रेशन, माय बिहेवियर, दिस इज मोर देन 80%, ठीक है। लेकिन एक और बात है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं
So what is communication? I listen to you, I process in my mind, and then I reply. So khali mera bolna nahi hai. Active listening, logically thinking, processing in my mind, ye bhi bahut zaruri hai. ठीक है, तो मैं आपको सुनूंगा, समझूंगा, मैं कहूंगा यही सवाल कर रहे हैं ना आप, एंड देन आई आंसर, यही हैव आई आंसर द क्वेश्चन. ये बहुत जरूरी है, द साइकिल शुड बी कंप्लीट. आपका सवाल समझना, उसको दिमाग में प्रोसेस करना किसी भी चीज में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई यूज टू राइट वेरी अग्रेसिव ईमेल. मुझे पता नहीं चलता था, सर ये क्या लिख दिया आपने, क्या लिख दिया सर, इससे ये मतलब आ रहा है. मैंने, मेरा तो ये मतलब नहीं है, मेरा तो ये मतलब है सर, मगर पूछ लें आप किसी और से. तो दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट. देन आई चेंज माई स्टाइल, आई लर्न इट. ठीक है, क्यों? जो वर्ड है उसके साथ कोई इमोशन नहीं जा रहा, उसके साथ कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं जा रहे, वो तो वर्ड है ना. आपने क्या मतलब निकाला, इन्होंने क्या मतलब निकाला, कुड बी डिफरेंट. जो मैं दे रहा था वो तो मतलब नहीं निकला. सर आपने क्या लिख दिया ये, मैंने तो ये नहीं लिखा है सर, मतलब यही आ रहा है. तो इसका मतलब है जो लोगों ने परसीव किया, परसेप्शन इज रियलिटी, जो से नजर आ रहा है दैट इज रियलिटी. तो यू नीड टू चेंज. ठीक है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस कि लोग क्या ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ठीक है, चलिए. एक बच्चा है बैठा, मैं उसे पूछ रहा हूँ क्या ख्याल है, आपकी तबीयत ठीक है? उसकी तबीयत खराब है. लेकिन इफ आई चेंज माई टोन, ठीक है ना, एंड से द सेम वर्ड. ठीक है, मेरी बेटी है, मैं उसको कह रहा हूं तुम मलका लग रही हो, ठीक है, प्यार से मोहब्बत से. लेकिन अगर वो किचन में आई और उसकी अम्मी कह रही है मलका साहिबा आप कैसे आ गई, वर्ड तो वही है, दोनों में क्या फर्क है, क्या फर्क है, समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो बात सारी यही है, यू गॉट द वर्ड बट यू डोंट चेंज द मीनिंग. तंज कर रही है अम्मी, तंज कर रही है. ठीक है, तो बात ये चीजें सीखने की जरूरत है. तो मैंने कहा था ह्यूमन इंटेंसिव एंड कम्युनिकेशन इंटेंसिव है. जब लोग हैं तो लोगों की ईगोस का, इमोशन का ख्याल रखेंगे आप. ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बहुत लंबा लेक्चर है. लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है आपको. ठीक है, ठीक है. मुस्कुराहट टीचर का एक टूल है, ये है या नहीं है? बात कहते हैं मुस्कुराना ही नहीं है, कहता हूँ भाई दिस इज द टूल. मेरे से भी बदतमीजी करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ हाँ, एंड देन आई स्माइल, देन एवरीथिंग गोज स्ट्रेट आउट. ठीक है, तो ये सब चीजें सीखने की जरूरत है. ठीक है, आई कैन कन्फ्रंट, यस आई कैन कन्फ्रंट, बस नुकसान किसका होगा, मेरा तो नहीं होने वाला भाई जी, मुझे तनख्वाह मिलती रहेगी, वो बच्चा बचेगा नहीं. बट डोंट, व्हाई आई एम डूइंग इट, यू नो. ठीक है, क्यों करूंगा, उसकी एक वजह है. जब तकब्बुर होता है ना, जब आदमी समझता है मेरी दाढ़ी सफेद है, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरी पोजीशन है, फिर आदमी करता है. जब तकब्बुर होगा तो उसके एक्शंस, तो योर एक्शंस आर ड्राइव फ्रॉम योर वैल्यूज, योर थिंकिंग, डोंट डू दैट. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कम्युनिकेशन, ये अल्फाज. अब अम्मी क्यों ये अल्फाज कह रही है, चार दफा कहा था काम नहीं सुना था, अम्मी नाराज है, अम्मी ने कह दिया शहजादी. अब्बा नाराज नहीं, अब्बा कह रहे हैं करेगी ना भाई, अभी तो अपने घर में है, जब जाएगी तो कर लेगी सारे काम. तो थिंकिंग है ना, उनकी थिंकिंग कुछ और है. तो इट्स नॉट ओनली वर्ड्स, इट्स योर थिंकिंग एंड बिलीव दैट इज फोर्सिंग यू टू यूज दोज वर्ड्स. ये बात समझ में आ रही है, योर थॉट्स एंड बिलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक गलत जुमला कैन मेड एन एनिमी, यानी आप, ये मैंने बहुत सीखा है, अ रॉन्ग सेंटेंस कैन डेवलप एन एनिमी. ठीक है ना, your actions will develop different relationship, your actions. बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन क्लास बात समझ में आ रही है? Yes sir. कम्युनिकेशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए. तो इसकी समरी ये है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, समरी यही है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करें, यूज द राइट वर्ड, अंडरस्टैंड पीपल्स पर्सनैलिटी, इमोशंस, और कभी तकबर नहीं कीजिए, कभी गुस्सा नहीं कीजिए, then you will have a very good relationship. ठीक है, मसलन मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत है, तो मोहब्बत कैसे रिफ्लेक्ट होगी?
कैसे? हाँ एक्शन, व्हाट आर द एक्शन? कोई चीज है ना, मोहब्बत इज ए वर्ब, एक्शन, बच्चों से, बीवी से, माँ से, कोई एक्शन है विच विल शो माई लव, अफेक्शन, ठीक है? अगर वही मेरी स्टूडेंट्स के साथ हो, मेरे कोलीग्स के साथ हो, वही एक्शन, तो अफेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा, होगा, ठीक है? ये जुमला सुना ना कि टीचर की इज्जत नहीं है, ना ऐसा नहीं है, और टीचर के वो एक्शन नहीं रहे ना, टीचर्स के वो एक्शन नहीं रहे, तो बात ये है कि योर एक्शन, और ये एक्शन कहाँ से आएंगे? फ्रॉम योर थॉट्स, बिलीव्स, ठीक है? तो ये सही करने की जरूरत है. पॉइंट इज, एक प्रोजेक्ट मैनेजर उसकी टीम के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, एक टीम प्रोजेक्ट मैनेजर उसकी टीम के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है. क्यों नहीं होंगे और क्यों होंगे, ये पॉइंट मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि अगर आपका एक्शन सही है, आपकी कम्युनिकेशन सही है, तो यू विल हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. किस टीचर के साथ होंगे, किस टीचर के साथ नहीं होंगे, जो टीचर रिस्पेक्टफुल होगा, अकोमोडेट करेगा, सिखाएगा, उसके साथ होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कलर, एज, ऐसे ही है ना. लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर रहा तो फिर वो पीपल विल लूज रिस्पेक्ट, ठीक है? तो ये वाली बात है कि इट इज नॉट ओनली वर्ड. आप क्या करते हैं, आपके एक्सपीरियंस, थॉट्स, बिलीव्स आपको प्रोसेस कराते हैं, आप लिस्ट सुनते हैं, माइंड में प्रोसेस करते हैं, और फिर आप कहते हैं. लेकिन जब आप इमोशनली चार्ज होते हैं तो फिर आपकी लॉजिक पानी में चली जाती है, ठीक है? तो यू पॉइंट इज, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बहुत लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनसे नहीं गुस्सा कंट्रोल होता. ये बात सही है गलत है? जी मैं सही कर देता हूं उनको, बंद करूं ना इसको. क्वेश्चन क्या है, सवाल यह है कि कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर नहीं होते. तो कैन यू कंट्रोल योर इमोशंस? सर मैं शॉर्ट टेम्पर हूं, ये लेक्चर मेरे लिए नहीं है. कैन यू? अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, कर सकता है आदमी, लेकिन आपने करना नहीं होता तो इसलिए करते नहीं है. कोई है शॉर्ट टेम्पर्ड? होंगी भी तो बताऊंगी नहीं आज. गधे होते हैं वो, गधे होते हैं, जगह बात कहते हैं ना. मैं सच बोलता हूँ बस, मैं डरता वरता नहीं हूँ तो मैं कह देता हूँ. हाँ मैं बताता हूँ अभी, चलिए लिसन. एक आदमी है शॉर्ट टेम्पर्ड है और गुस्सा निकाल लेता है. कहाँ निकालता है? छोटे भाई पर, दोस्त के ऊपर थप्पड़ लगा देता है. लेकिन जब उसको गुस्सा आता है ना, टीचर के सामने खड़ा होता है, तो वो गुस्सा नहीं निकालता है, कहता है नुकसान हो जाएगा, टीचर फेल कर देगा. कंट्रोल कर लेता है अपने इमोशंस को, या बॉस के सामने गुस्सा नहीं करता है, या फलाने के सामने जहां वो कहता है कि मुझे नुकसान ना हो जाए, वहां अपने वो इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है. शॉर्ट टेम्पर्ड कहां होता है? जिन पे बस चलता है. तो ही और शी कंट्रोल्स देयर इमोशंस जहां नुकसान का खतरा है. वहां कहते हैं रुको रुको रुको, दिमाग कहता है रुको, हाथ नहीं चलाना, मुंह से कुछ नहीं कह देना. लेकिन बेटे ने कुछ बात बोली है, थप्पड़ लगाया. क्यों? बेटा तो यहीं रहेगा ना, मेरे पास ही रहेगा, कहाँ जाएगा? तो देयर यू डोंट कंट्रोल योर इमोशंस. जहां मजबूरी होती है वहां इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, जहां मजबूरी नहीं होती कहते हैं मैं सर शॉर्ट टेम्पर्ड हूं. यही तो सिखाया गया दीन में, कंट्रोल योर इमोशन जहां तुम्हारा बस चलता हो. आई समझ? तो जहां बस नहीं चल रहा था वहां तो ट्रेन कर दिया अपने माइंड को. है क्या, व्हाट इज गुस्सा? लिसन, माइंड में प्रोसेस किया, दिमाग गर्म हो गया, हाथ में एक्शन लिया या मुंह ने एक्शन लिया, यही है ना गुस्सा. लेकिन दिमाग अगर फ्रीजर में डाल दिया, ठहरो ठहरो ठहरो, कोई गुस्सा नहीं करना है, तो ना मुंह से कुछ निकलेगा ना हाथ से कुछ होगा. बता तो रहा हूं, योर थिंकिंग, योर थॉट्स. मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ और कहा, लेकिन आपने कुछ और मतलब निकाला. सर आपने कैसे कह दिया सर? क्यों? बिकॉज योर थिंकिंग इज, योर दिमाग ने जो प्रोसेस किया ना, दैट हैज ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. कम होती
इसको कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग, जिसका मतलब है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, क्या मतलब है? हाँ, अगर आपने कुछ सोचा, मैंने कुछ कहा और आपने सोचा, और आप दिमाग में सोच रहे हो, गुस्सा हो रहे हैं, बेहतर नहीं था कि आप पूछ लेते सर आपने ऐसा क्यों कहा? मैं कहता भाई मेरा ये मतलब है। हाँ यार बात तो सही है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन का मतलब है खुद ही सोचना, खुद ही इंटरप्रेट करना और खुद ही जवाब देना, खुद ही एक्शन करना। यू आर नॉट आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, दैट इज ए कम्युनिकेशन गैप। बात समझ में आ रही है? Why? Because of your belief. यार मैं क्योंकि ऐसा हूं ना, सर ने ये कह दिया, बाकी लोग तो कोई नहीं सोच रहे, मैं सोच रहा हूँ। भाई बाकी जुमला तो सबके लिए कहा था, बिकॉज ऑफ माई बिलीव, इसे मुझे ही कहा है उन्होंने, मैं ही गाँव से आया हूँ, मुझे ही कहा है उन्होंने, है ना? मैं दुबला हूँ, मुझे ही कहा है, मैंने काली शर्ट पहनी है, मुझे ही कहा है, बाकी किसी को नहीं कहा, किसी ने पहनी है नहीं पहनी। तो देट इज योर बिलीव इन थिंकिंग, रादर देन यू आस्क योर टीचर या प्रोजेक्ट मैनेजर और हूएवर, इवन फ्रेंड, इवन मदर, इवन फादर, है ना? ये सारी चीजें, तो दिस इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लोग कह नहीं पाते हैं, कहना चाहिए, बात करनी चाहिए विद द प्रोटोकॉल। ठीक है, लास्ट क्लास में बात हो रही थी क्या, फादर से हम ये नहीं कह सकते, फादर सुनते नहीं है, ये बात हो रही थी। फादर का प्रोटोकॉल होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फादर से खौफ ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो है खौफ ज्यादा, अम्मा से कहूंगा नाराज हो जाएंगे, अम्मा से लॉजिकली कहूंगा, रिस्पेक्ट के साथ कहूंगा, लेकिन कहूंगा। टीचर को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है ना, टीचर के साथ एहतराम करना है, इज्जत करना है, लेकिन कहना तो है, तो विद रिस्पेक्ट। तो जी हाँ, फिर वो तो पर्सनालिटी है ना, फिर तो मैंने सुनना ही नहीं है, मैं तो खुद ही सही नहीं हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ बस तुमने पास नहीं होना, बस मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, आई एम इमोशनली चार्ज, क्योंकि मैंने ऐसा करना है और बच्चे की लॉजिक नहीं सुनी है ना, फिर तो मेरा प्रॉब्लम है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वही बात है ना, मैंने कहा कि बताया था आपको कि लॉजिक फेल, तो फिर आप कहते हैं यार चुप हो जाओ, क्योंकि द अदर पार्टी इज नॉट रेडी टू लिसन। कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, अब्बा हो सकता है, तो फिर देन यू स्टॉप। ठीक है, मगर ये 10% होगा, ये हर जगह नहीं होगा। ठीक है, फिर अब बात हो गई मीटिंग की, तो मैंने क्या बताया कॉन्फ्लिक्ट में, कि कॉन्फ्लिक्ट होगा लेकिन उसको हैंडल करें, कम्युनिकेशन में अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, राइट वर्ड एंड कंट्रोल योर इमोशन, दिस इज द समरी, राइट वर्ड एंड कंट्रोल योर इमोशन। कंट्रोल इमोशंस करेंगे तो बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी, जो आप नहीं देंगे, बस मैंने कह दिया आपको, जो समझ में आ रहा है समझ लीजिए, आप आएंगे तो मैं बता दूंगा। मीटिंग्स में बहुत होता है हमारे, खासतौर पर प्रोफेशनल मीटिंग में, ऐसा जुमला कहते हैं जो चिढ़ाना चाहता है आपको और आपको रिएक्शन करवाना चाहता है, आप कहते हैं बस मैंने कह दिया सर, इसका जवाब नहीं देंगे, मैंने दे दिया ना इनको, इनको जो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, आई सेड व्हाट आई हैव टू। अब बात हो रही है मीटिंग होगी, ठीक है ना, प्रोग्रेस मीटिंग हो रही है, और अच्छा मीटिंग नॉर्मली कॉल होगी किसी प्रॉब्लम की वजह से, एक तो हो रही है स्टेटस मीटिंग हो रही है, हर हफ्ते हो रही है या फ्राइडे को हो रही है, इतने बजे हो रही है, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ मीटिंग इज कॉल्ड। नो ऑफेंस यार, लेट मी चेक इफ आई हैव वन। ऑनलाइन क्लास जरा वेट कर लीजिए, मैं मार्कर निकाल लूँ, कुछ लिखना चाहता हूँ। कोई इशू होगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो मीटिंग इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये मीटिंग का एजेंडा यही हो जाएगा, मीटिंग इसलिए कॉल की है कि हम इस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। ठीक है, मीटिंग है, हम इमरान खान की सियासत पे बात नहीं करेंगे, हम DHS उफा की प्रोग्रेस पे बात नहीं करेंगे, पीपल डिस्ट्रैक्ट, आप बैठे हैं तो नो ऐसा होता है, ऐसा नो यू पीपल स्टार्ट टॉकिंग, सो यू शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन एजेंडा। इतनी देरी है बात करेंगे, बाहर निकल के आप कुछ भी बात करते रहे, बट नॉट नाउ, दिस इज माई टाइम। ठीक है, तो अगर चार एजेंडा आइटम है तो उस पर बात करिए। ठीक है, कौन लोग हैं,
जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको बुलाइए, उस एजेंडा पे बात कीजिए, ठीक है? ये प्रॉब्लम है, ये हमने बैठ के बात की, ये करना है, किसने और कब करना है, दिस इज द आउटकम ऑफ द मीटिंग, वेरी सिलेक्टिव। बात समझ आ रही है? मीटिंग्स में बहुत कुछ होता है जो एजेंडा पे बात नहीं होती, बाकी मीटिंग होती है, चाय बिस्किट सारी चीजें, एंड देन इशू डज नॉट गेट रिजॉल्व। बात समझ आ रही है? यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन, ठीक है? अब ये पूरी मीटिंग कैसे होती है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मीटिंग कहीं होगी, उसका एजेंडा होगा और उस पे एक्शन आइटम होंगे, और मैंने एक फॉर्मेट बना के दिया था FIP वालों को। आई डोंट नो आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग का फॉर्मेट मिला है कि नहीं मिला। उसमें पार्टिसिपेंट होगा, उसमें एजेंडा होगा, उसमें पॉइंट डिस्कस किए होंगे और एक्शन आइटम होगा। वो इधर ही से हो ड्राइव होता है कि भाई मीटिंग विड बी कॉल, ठीक है ना, क्योंकि आपकी मीटिंग कॉल हो रही है, ठीक है ना? तो एजेंडा आइटम होगा, उसमें पार्टिसिपेंट कौन होंगे, जाहिर सी बात है पार्टिसिपेंट आपका सुपरवाइजर होगा, आप लोग होंगे, क्या बात हुई थी और वो कब रिजॉल्व होगा, ये सारी चीजें, ठीक है? हाँ सारे लोग नहीं हो सकते ना, वो सारे स्टेक होल्डर है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपने FIP की मीटिंग करनी है तो आपके सुपरवाइजर होंगे और आपके मेंबर्स होंगे, लेकिन हो सकता है कोई मीटिंग आप एक्सटर्नल कर रहे हो तो वो एक्सटर्नल सुपरवाइजर हो सकते हैं। सब इक्वल नहीं हो सकते ना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, मैं कर रहा हूँ, तो वो जो स्टेयरिंग कमेटी है वो बहुत ही हाई क्लास लोग हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, आधा घंटा देंगे, तो मुझे पूरे महीने भर की समरी समझानी है, तो मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सप्लेन करूंगा, तो वो स्टेक होल्डर तो है मगर वो स्टेयरिंग कमेटी है, मैं उनको बता रहा हूँ और इशू रिजॉल्व करवा रहा हूँ। कैन हैव डिफरेंट, लेकिन दे आर ऑल स्टेक होल्डर। इसको बहुत ज्यादा लंबी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? जी हाँ, इट इज ऑल ह्यूमन साइकोलॉजी। जापान के अंदर कोई भी पीरियड 35 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि फिर उसके बाद आपका टेंशन खत्म हो जाता है। मगर मैं सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक ट्रेनिंग कराता हूँ, तो आई हैड टू लर्न के एंगेजमेंट कैसे रखते हैं, मेंटल इंगेजमेंट कैसे रखते हैं, खास तौर पर खाना खाने के बाद कैसे रखते हैं, आई हैड टू लर्न, ठीक है? क्योंकि जब मैंने एक ट्रेनिंग की किसी की तो पता ही नहीं चला कि दिन कैसे गुजर गया। यू नो ही वाज सो गुड ट्रेनर और इन्वॉल्व पीपल, और टॉपिक पे उसको इतनी कमांड थी कि वो बहुत जबरदस्त, बहरहाल मैं उस जैसा ट्रेनर, लेकिन बहरहाल बात सारी है कि यू यू लूज योर अटेंशन, तो 5 मिनट का ब्रेक फिर दें, तो इसलिए बहुत लंबी मीटिंग्स नहीं करनी चाहिए, ठीक है? बहुत लंबी मीटिंग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ हम उसको दरबार कहते हैं। बादशाह सलामत ने दरबार लगाया और कौन तो हिसाब कर रहे हैं, आप सुने, मैं सोच रहा हूँ कब मीटिंग खत्म होगी, जाऊंगा अपना काम करूंगा, तो हम कहते हैं दरबार लगाया बादशाह सलामत ने, जा भी नहीं सकते, काम भी नहीं कर सकते, ठीक है जी? ठीक है, कोई चीज बड़ी है और उसमें 2 घंटे लगेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, इस सवाल को होल्ड करते हैं, पहले मैं समझाता हूँ कि इंसान का दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है? इंसान का दिमाग, इंसान की फितरत क्या है, अगर मैं इनकी तारीफ करूंगा तो उनको खुशी होगी इन जनरल हर किसी के साथ इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, लेकिन मैं अगर उनको बताऊंगा इनमें ये कमी है ये कमी है तो उनको खुशी होगी नहीं होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो लीडरशिप ये सिखाती है, तुम ये बहुत अच्छा करते हो, तुम ये बहुत अच्छा करते हो, और दरमियान में वो बात बताइए जो इनको अच्छी नहीं लगेगी, और फिर बाद में, तो दिस इज कॉल्ड सैंडविच अप्रोच। ह्यूमन साइकोलॉजी को एड्रेस करिए, ठीक है? ठीक है, हम जब HR की मीटिंग करते हैं ना, तो कुछ लोग तो बहुत सही होते हैं, अच्छी अच्छी बातें खराब बातें सब एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ बोलते हैं तो इनको बात खराब बातें चीखना शुरू होते हैं, अदालत लगाओ,
ऑपरेशन हेड आप भी आइए और एचआर भी आइए, अदालत लगती है, तो मैं कहता हूँ भाई डोंट हैंडल दैट, ठीक है। इन लोगों को कैसे हैंडल करना है, मैं कैसे करता हूँ, जब वो आता है तो मैं कहता हूँ देखिए ये मीटिंग इज नॉट गोइंग टू बी अनप्लेजेंट मीटिंग, दिस इज गोइंग टू बी वेरी अनप्लेजेंट मीटिंग, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग इट, अभी कुछ कहा नहीं है, ये मीटिंग अच्छी नहीं होने वाली, मैं कुछ ऐसे बातें कहूंगा जो तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी, क्या कर रहा हूं मैं, कुछ कहने वाले हैं सर जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अब वो तैयार हो गया, उसको कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी लंबी चीज है तो उसमें आप बताएंगे देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये समरी है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट हमें करना है और इसकी वजह ये है, इसलिए मैं आपका वक्त दे रहा हूं 2 घंटे, ठीक है। और हम ऐसा करेंगे, ये बातें कर लेंगे, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक करेंगे और ये करेंगे। आई नीड योर अटेंशन जी। हाँ, अब ये टेक्निक है, मैं क्या करता हूँ, जब मेरी स्टेयरिंग कमेटी के साथ मीटिंग होती है, स्टेयरिंग कमेटी कहती है 15 मिनट से ज्यादा नहीं है, मैं कहता हूँ फाइन, मैं इस मामले में मत, मुझे मालूम है, तो मैं 15 मिनट की मीटिंग शुरू करता हूँ और 1.5 घंटे बाद खत्म करता हूँ, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दे आर सो इन्वॉल्व, उनको पता नहीं चलता है, वो सारे काम रोकते हैं। जब इनको खींच लेता हूँ ना कि ये मसले तुम्हारे मसले हैं भाई, मेरे मसले नहीं है, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा जो 1.5 करोड़ 1.5 साल मुझे दिया ना, दिस विल बी लॉस्ट। तो वो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कहता हूँ ठीक है मेरी सुन ले 15 मिनट, फिर मैं सुनाता हूँ उनको, ये है ये है ये है, बुलाओ उसको, उसको बुलाओ, इसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, बुला लो, कर लो, दिस इज योर कॉल, मेरे 15 मिनट खत्म हो गए, आपने जो मीटिंग करनी है वो आपका टाइम है। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, बुला रहे हैं, मैंने 15 मिनट खत्म कर दिया, समझ में आ रही है। तो यू मेंटली प्रिपेयर, लेकिन अगर आपने बात ही ऐसे करनी है जो उसको कहानियां सुना रहे हैं, लोरी सुना रहे हैं, तो वो तो बोर होगा। तो मेंटली इंगेज करना, मैं यहाँ के कुछ पढ़ाऊं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, वुड यू बी इन्वॉल्व, क्या करेंगे सर, 5 मिनट रह गए बस खत्म करें आप, बहुत हो गया, व्हाई, बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, क्योंकि चीज समझ में नहीं आ रही, ऊपर से गुजर रही है, बट अटेंडेंस तो लगानी है ना, 75% पूरी करनी है, वो नहीं करेंगे तो ये मसला हो जाएगा। तो मेंटली इंगेज करना जरूरी है कम्युनिकेशन के अंदर, किसी भी तौर से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तकब्बुर होता है ना, तकब्बुर क्या है, अपने से बेहतर कमतर समझना, मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी दाढ़ी सफेद है, इनको क्या पता, वुड आई कम्युनिकेट विथ यू, नो आई विल नॉट, मैं कहीं आसमान से बातें कर रहा हूँ, हाँ बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ना, तुमने काम किया गया, मतलब टू अंडरस्टैंड यू नो थिंकिंग एंड वर्ड्स एंड माई एक्शन, ठीक है। ये बहुत शिकायत सुनी है कि इंडस्ट्री से लोग आते हैं तो बस ऐसी बातें करते हैं जो समझ में नहीं आती है, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना, क्योंकि वो इंप्रेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बात सारी यही है कि यू कम्युनिकेट, यू मेंटली इंगेज, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें, तुम प्रोजेक्ट